मेरे जनता के लिए मुझे निकाला जाए ऐसी विधायक जी को मैं कुर्बान करता हूँ। ऐसे विधायक है हमारे जिस अमित महतो जी, धर्मपत्नी श्रीमती सीमा महतो जी, और मैं निश्चय ही हम समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, मैं भी तो काम कहीं रहने वाला हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा सहयोग आपके साथ है। सच्चे दिल से, बल से, हर प्रकार से जैसे भी करना पड़े हम लोग आपके साथ हैं और निश्चय ही विजय होंगे। आज हमारे बीच रहने वाले अमित महतो भैया जी, जो हमारे हर सुख दुख में रहते थे, चाहे किसी का मौत हो, चाहे किसी का मारी मार्की का मौत हो, किसी तरह का भी, चाहे हमारे बच्चे का छात्रवृत्ति का समस्या हो, या हमारा नवाचन का समस्या हो, या हमारे हमारे बीच जो अभी भूमि अधिग्रहण का समस्या आया, एक लौटा मात्र ऐसा विधायक था अमित महतो जी जो खड़ा हुए। किसी का हिम्मत नहीं था, कोई भी ऐसा नेता का हिम्मत नहीं था जो खड़ा होता। आज बीजेपी के साथ आशुरी गठबंधन करके महान पार्टी गिराती है और डरती भी है कि हमारे बीच नारियों को भड़का रही है कि महिला खड़ी है क्या करेगी। लेकिन याद कीजिए, महिला शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। महिला के बिना ये संसार अधूरा है। आज हमारे बीच सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है कि हमारे घर की बहू बाहर निकल करके जनता के बीच में है। हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि घर के दोनों को निकलना पड़ा। इन चुनौतियों के चलते कोई लोगों को निकलना है, पास करना है और सीमा देने को जिता करके विजय बनाना है। ये जहाँ नमस्कार, सीमा देवी जिंदाबाद, 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 सीमा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको नमस्कार, जहाँ बहुत बहुत सजगी तो हमारे बीच में है, तो वही का बहुत प्रभाव है, कमी है, तो हमारे गारे को हमारे के भाने सीमा माता जी और हमारे के सीधी विधानसभा के पुत्र सीमा माता के मेरी माएँ बहने जितनी भी यहाँ बैठी हैं और काका जी साहब, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सब आप लोग जान ही गए हैं अभी तक कि हम लोगों ने कितना उम्मीद और भरोसा से आप सबने अपना बेटा अमित महतो को चुना था और उनको कड़ियों में फंसा कर हम लोगों के बीच पहुँचा दिया गया। आप लोग सब अभी तक जान गए इस बात को, तो हम ये बताना चाहेंगे आप सबको कि अगर आज आपके बेटे को हमारे बीच से हटाया गया है, लेकिन आपकी बहू आज घर से निकली है, आपके बीच ये चुनाव में प्रत्याशी बनकर खड़ी हुई है, हमारे जो अधूरे सपने रह गए थे, अधूरा काम आपका बेटा का जो छूट गया था उसको पूरा करने के लिए आज आपकी बहू आपके सामने है, तो आप लोग सब मिलकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। इसी भरोसा के साथ हम निकले हैं घर से आपके बीच कि हमको पूरा साथ मिलेगा आपका। हम अकेले कभी भी अपने आप को अकेले हम कभी महसूस नहीं करते हैं। जहाँ भी जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में मेरी माएँ बहनें हमसे मिलती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, तो इस बात से इतनी भीड़ जो है इकट्ठी हुई है, इससे हमको इतना भरोसा है कि हम ना कभी अकेले थे ना आगे कभी अकेले रहेंगे। और जैसा कि जो षड्यंत्र रचा गया आपके बेटा के विरोध में, तो आप सब जान रहे हैं हमको 2 साल का सजा हुआ, लेकिन असली सजा तो हम लोग भूख रहेंगे। अगर आपका बेटा अमित महतो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हम लोग को सबको सजा भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गलत नीति नियम हमारे बीच लाएगा सरकार कि हम लोग के पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय रोने के और पछताने के।
इसका उदाहरण आप लोग को हम देना चाहेंगे। जैसे अभी अभी तक आप लोग सुने कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, इन लोग का छात्रवृत्ति हटा दिया गया है। आज का जो रघुवर दास और सुदेश महतो का सरकार है, हम लोग का बच्चा का छात्रवृत्ति हटा दिया और स्थानीय नीति लागू किया जिसमें बाहर का आदमी यहाँ बाहर का बच्चा लोग नौकरी पा रहा है, हम लोग का बच्चा के लिए नौकरी नहीं बच रहा है अभी के डेट में। तो आप सोच के देखिए कि जब हम लोग का बच्चा का भविष्य से जो सौदा करता है वो किस चीज से हम लोग के बीच वोट मांगने आता है, वो सुदेश महतो, यही सोचने वाली बात है। और जैसे और एक नियम जो लागू किया भूमि अधिग्रहण में संशोधन, उसके अनुसार भी आप जान लीजिए कि हमारे जमीनों पर उसका बुरा नजर है, वो हमारा जमीन के उद्योग कारखाना बैठाना चाहता है, इसके बदले में उसको भर भर अटैची सूटकेस पैसा मिलता है, इसलिए वो हमारे जमीनों पे उद्योग और कारखाना बैठाना चाहता है। तो आप लोग सोचिए कि जिसका गलत नजर हम लोग का बच्चा का भविष्य पे है, जिसका गलत नजर हमारे जमीन पे है, तो मुंह से हमारे बीच वोट मांगने आता है, मुद्दे को लेके वो चुनाव लड़ रहा है, ये सोचने वाली बात। और आप लोग सब समझदार हैं, अब आप सब समझ रहे हैं, कोई अब आपको भड़का नहीं सकेगा, कोई अब बहका नहीं सकेगा। और दूसरी बात कि जैसा सुदेश महतो की बात हो रही है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी के घर में है तो वो सुदेश महतो के घर में, उसका जो उससे जो पिताजी हैं वो अभी भी इंडालको में रिटायरमेंट एज के बाद 7 साल के बाद वो इंडालको में नौकरी कर रहे हैं। अब सोचिए आप कि किस तरह का वो हम लोगों का विकास करेगा, खुद अपने घर का विकास करने से जो चुना हुआ है, और उसका भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कंपार्टमेंटल किया हुआ है, उसका भाई अभी ये बनता है वीडियो की, तो आप बताइए। और बी एस सी है उसका भाई, तो आप सोच के देखिए। और उसकी बीवी जो नेहा महतो वो भी इंडालको में किसी पोस्ट में है, तो आप सोचिए कि उसको अपने घर में नौकरी देने के अलावा फुर्सत है हम लोगों के लिए नौकरी देने के लिए, हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए। इतना ज्यादा घोटाला वो करता है और किस मुंह से हमारे बीच आता है वोट मांगने। आप सोचिए, सोचने से मजबूर होना पड़ेगा आपको कि जो वो निजी स्वार्थ देखता है, अपना खुद का स्वार्थ देखता है और हमारे बीच चुनाव लड़ रहा है। और आप ये भी सोचिए कि जो महिला शक्ति की बात करता है, तो जब वो महिला को सम्मान नहीं दे सकता है, एक महिला खड़ी हुई है उसके विरोध में, अगर वो सही में अगर इंसान होता और अगर उससे कुछ इंसानियत बची होती तो वो आज चुनाव नहीं लड़ रहा होता मेरे खिलाफ। आप इस बात को सोचिए, मजबूर किया है वो कि हमको घर से निकलना पड़ा है अपनी सिल्ली विधानसभा को बचाने के लिए, मजबूर होकर उसके हाथों मजबूर होकर हमको निकलना पड़ा है और ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा हम लोग क्यों मजबूर होंगे। और बात रही महिला समिति की बात, वो भी हम आप लोगों को बता दें कि 3 साल वो नहीं रहा यहाँ का विधायक, तो क्या महिला समिति बंद हुई? नहीं हुई। तो यही सबूत है कि महिला समिति पे उसका कोई बस नहीं है, उसका कोई जोर नहीं है, बस वो अपना पैसे के ताकत से पैसे के बदौलत वोट खरीदने का उसका नीति है और वोट मांगने का मुद्दा वही है, उसका बस पैसा है। लेकिन हम लोग बहुत दिन 15 साल हम लोग उसको शासन करने दिए, अपने ऊपर मनमानी करने दिए, हमारे नाम से कितने खजाने उसको भरने दिए, लेकिन अब हम जाग गए हैं, हम महिलाएं कमजोर नहीं है। हम लोग चाहे तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हम सब बन सकते हैं, किसी बात के हम लोग पीछे नहीं है। और जो महिला का दर्द, एक महिला ही ज्यादा बेहतर समझ सकती है, इसलिए मेरी माए बहने जितनी यहाँ बैठी है उन्हीं को हम ज्यादा देखकर और उन्हीं को ज्यादा देख के हम सारी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई बंधु बड़े बुजुर्ग जितने यहाँ है सब
समझ चुके हैं इस बात को, और हमको बस यही उम्मीद है कि आप लोग भी समझ जाइए इस बात को, और किसी के भड़कावे में हम लोग को आना नहीं है। जो अपना खुद का खजाना भरता है, खुद का परिवार देखता है, खुद अपना निजी स्वास्थ्य देखता है, वो हम लोग का क्या देखेगा। और हम लोग के लिए अगर कोई एक इंसान जो लड़ सकता है, चाहे वो सड़क हो या सदन, पेड़ के जैसा धार सकता है, हमारे लिए लड़ सकता, हमारा सुरक्षा कवच बन सकता है, तो वो है एकमात्र आपका बेटा अमित मंत्री। आज तक हमेशा गलत नीति नियम का विरोध करते आए हैं आपका भाई, आपका बेटा अमित मातो हर गलत नीति नियम का विरोध करते आए हैं। आज तक का इतिहास है, जब वो विधायक थे, जब नहीं थे तो भी 3 महीने उनको CNT SPTF के विरोध में 3 महीने उनको निलंबित किया गया था। तो आपके बेटा ने कहा कि अगर गलत नीति नियम के विरोध में अगर हमको 3 महीने तक 30 साल भी निलंबित करेगा हमको, तो भी हमको बर्दाश्त है। तो आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा कलेजा, कितना बड़ा जिगर, कितना बड़ा मन है आपके बेटे अमित महतो का, कि दिन रात वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए जीते हैं। अभी वो इसी चिंता में है कि कहीं मेरी जनता भटक गई, कहीं मेरी दिल्ली विधानसभा की लोग, मेरे माँ भाई बहन अगर भटक गए तो हम कभी उनको बचा नहीं पाएंगे दोबारा। इसी बात के चिंता में वो डूबे हुए दिन रात आप लोगों के चिंता में, और हम दिन भर गाँव गाँव घूम घूम कर बस यही बात आप सबों को हम समझाना चाह रहे हैं कि अपना कीमती वोट कभी मत बेचिएगा। मेरी माए बहने कभी भी नहीं बेचिएगा अपना कीमती वोट। आप लोग अपना वोट देते हैं ना, लेकिन हम आपको बता दें आप अपना वोट नहीं बेचिएगा, अपना बच्चा का जिंदगी का भविष्य बेचिएगा। तो इसलिए अब जाग जाइए, एकदम सोने का समय नहीं है, 15 साल बहुत सोते रह गए, आप एकदम जाग के फ्रेश हो जाइए। और एकदम फ्रेश होके 28 मई को चुनाव है हम लोग का, उपचुनाव जो कि सुबह 7 बजे से लाइन में लग जाइए, और सबसे पहले तीर धनुष छाप, जो हमारे अपने घर का अपना झारखंड का पहचान तीर धनुष छाप है, उसमें बटन दबाइएगा, और श्रम संख्या 1 नंबर जो कि अभी से ही आप लोग की जीत की निशानी है 1 नंबर, कोई 1 नंबर को याद रखिए आप लोग, अपने मन में बैठा लीजिए, कहीं और नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे शुरू में ऊपर में है 1 नंबर और तीर धनुष छाप। और आप लोग ये सोचिए कि जो हमारे आदरणीय गुरु जी, हमारे गार्जियन जो झारखंड राज्य अलग जो किए, और झारखंड राज्य के जनक जो झारखंड राज्य पैदा थे, वो हमारे माननीय सोरेन गुरु जी, वो मात्र 12 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, तो हम लोग के पेट के लिए, हम गरीबों के पेट के लिए 1 रुपये किलो चावल